उसका समय आ गया है, इस समय कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। सबने अपनी अपनी अपने अपने परिश्रम से सब लोगों ने परीक्षा दी है और अब परिणाम का समय है। नर्वस है या उत्साहित है? मैं नर्वस नहीं हूँ। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान दिवस है। संजोग देखिए, आज 11 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है और आज ही के दिन दीनदयाल जी का पार्थिव शरीर मुगलसराय स्टेशन के यार्ड में एक ट्रेन के अंदर पाया गया था। मैं अभी निकल रहा हूँ वहीं जहाँ हमारे पदाधिकारीगण आने वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी भी आने वाले हैं। मैं नर्वस नहीं फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा होने वाला है। जी, आज मंगलवार भी है, कितनी सीटें हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी पर बड़ी आस्था सबकी जुड़ गई है। हाँ, बड़ी, सब हनुमान जी का आशीर्वाद लेने सुबह सुबह निकल रहे हैं। हनुमान जी की तो आस्था, हनुमान जी का देश है, राम जी का देश है और हनुमान जी तो भक्ति के प्रतीक हैं, तो ये तो अच्छा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाँ, जश्न की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी शुरू है। अभी से आप चलिए देखिए, पंडित दीनदयाल जी के 6 DDU मार्ग वाले सामने वाले मूर्ति पे इस समय सैकड़ों कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और हम उसको ज्वाइन करेंगे। ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ईवीएम को कोई दोष ना दे, क्योंकि भारत की ईवीएम व्यवस्था बहुत मजबूत है और जो भी जनादेश हो उसको स्वीकार करें। ईवीएम को दोष देने की परंपरा ठीक नहीं। ढोल वाला एक घूम रहा था, वो बड़ा कंफ्यूज था। वो कह रहा था यहाँ बजाना है, वहाँ बजाना है, वहाँ बजाना है, कहाँ बजाना है, तो थोड़ा थोड़ा बजा बजा के घूम रहा है वो। वो थोड़े समय में माँ सरस्वती उसको बता देंगे कि कहाँ बजाना। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस में सवाल उठ रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे आम आदमी पार्टी कह रही है सब सेट है, मामला कुछ पक रहा है अंदर, आपके कॉन्फिडेंस को देख करके। ये कॉन्फिडेंस क्यों है आपको इतना? नहीं, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर आप जनता के लिए सच्चे मन से कुछ कर रहे हैं तो जो नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 साल के कार्यों की गूंज है वो दिल्ली की जनता पे निश्चित रूप से अपना असर करेगी और जनता जो भी आज जनादेश देगी। मनोज जी, सीटें कितनी आ रही हैं? हम भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली सरकार में आ रही है। सीटें बताइए ना, आप 48 कह रहे थे पहले। हाँ, तो जो कह दिया है वो कह दिया है, जब तक रिजल्ट नहीं ना। आज फिर बोलिए। मैं, हमारा तो मन जो मैंने कहा है अभी भी 48 प्लस सीट का है। अच्छा। अगर वो 55 भी हो जाए तो आश्चर्य मत। मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, 48 सीटें आ रही हैं तो बीजेपी को फीडबैक है। आपको मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा अशोक भाई बहुत जल्दी।